कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें, यू डिटरमीन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये 5, 10, 15 बातें करनी है। मैं यहां आप सब बैठे, आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ 5-10 आइटम लिखी कि मुझे जीवन में यह करना है। हाथ ऊंचा करें फेथफुली। 15-20 हाथ भी ऊंचे नहीं है। तो क्या आप ये विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे? अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे? तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है। आपकी जो रस रुचि है, आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से, पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से, हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है, ये एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए। और टेक अ पेन इन योर हैंड, इफ यू हैव नॉट डन टिल टुडे, व्हेन यू गो बैक होम टुनाइट, बिफोर यू गो टू स्लीप, टेक द पेन इन योर हैंड, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग, कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है, और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो, कुछ दृष्टि करते हो। तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी, विचार में से तो चली जाती है लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा। देन दैट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉन्स्टेंटली इट रिमाइंड्स यू। कहीं युवा यहां बैठे हैं, अंडर 30 के बैठे हो, हाथ ऊंचा करें। कहीं पीछे भी बैठे। अमेरिका में एक लड़का था, उसकी उम्र थी उस वक्त जब 14-15 साल का वो होगा। एक बार उन्होंने सोचा, जॉन गोडार्ड ये बालक, कि लेट मी राइट डाउन माय ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माय एम्स ऑफ लाइफ। बैठ के लिखने लगा, एवरेस्ट पे जाना है, नाइल नदी स्विम करनी है। ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 गोल्स ऑफ लाइफ। फिर तो प्रयत्न किया, उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है। 60 साल की उम्र में एक बार वे फिर से, वो छोटी फर्जी थी, वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए। एंड टू हिज सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज, ही हैड कंप्लीटेड 55 ऑफ द 57 टास्क ऑफ हिज लाइफ। कर सकते हैं। और फिर एक बार तैर किया, दैट बिकम्स योर लाइफ, दैट बिकम्स योर गोल। हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखे, यस और नो? सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए, तब यहां मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी, उसमें उनका इंटरव्यू भी था। इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है? सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई ड्रिंक क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट, आई वेक अप क्रिकेट, इट्स क्रिकेट 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 24/7। तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है, अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, तभी जाके बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माय लाइफ, 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और 4 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट, 24 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह 6 बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो। इंटरव्यूअर बहुत शार्प था, इसी उत्तर में एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो?
सचिन जी ने बताया कि इवन इफ आई हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी और अ डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स. दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर. सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया, समृद्ध युवान की बात हो रही है. एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है. एंड इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, इट्स नॉट अ फ्यू मंथ्स अफेयर. कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं. पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है. सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं, असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है. यह रहस्य की बात है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं. अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ध्यान से सुनना, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर, मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग. एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट गैजल दैट इज डियर टू सी द इवनिंग. ये कहानी के बाद अंत में लिखते हैं, सो वेदर यू आर द डियर और द लायन, every morning when the sun rises you have to run. आप हिरण हैं या सिंह हैं, मतलब शेर हैं, आप हिरण हैं या शेर हैं, सुबह गिरी सूर्योदय हुआ दौड़ना तो पड़ता है. हम दौड़ते हैं, लेकिन संकल्प एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना, वो एक अलग बात हो जाती है. इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है, सबको साथ में लेके दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है. तो सचिन जी ने ये बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट 6 आई एम एट द नेट्स. मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं, उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं. और हम जो यह पहले आप समझ गए सब, हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं, जो भी 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे. और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है, रात को देरी तक कुछ करते रहना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना, कुछ भी करते रहना, और फिर सुबह देरी से उठना. I have read more than 500 biographies and autobiographies in my life, from Nelson Mandela to Winston Churchill to Abraham Lincoln to George Washington to Sachin Tendulkar, everybody. The one common point of many that I would like to put forward here is, especially jab ye baat ho rahi hai, they all were early risers. Ye sab hai wo subah mein bahut jaldi uthne wale the. Ye scientifically bhi proved hai कि आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल बी एनर्जाइज्ड बेटर, यू विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट. ट्राई करना.